आज 4th of June एंड टाइम हो रहा है 10:30। तो भाई जैसे न्यूज़ वालों ने कहा था कि आज यानी कि 4 तारीख को साइक्लोन आने वाला था सुबह 3 बजे, आ सकता था, आया नहीं क्योंकि अब तो 10 बज रहे। और जैसे कि मुझे डर था, आइए आपको दिखाता हूँ मैं, आपको दिख रहा है यानी शायद से, रुको आपको कुछ बैक कैम से दिखाऊँगा। ये जो सामने के पेड़ है, ये एक पेड़ हो गया एंड पीछे एक पेड़ है ये वाला। तो भाई इसका मुझे ज़्यादा डर था कि ये गिरेंगे, जैसे कल आपने जैसे दिखाया था वैसे तो कुछ हुआ नहीं, मतलब ठीक है कोई बात नहीं, बट यार जैसे रात भर सोया नहीं पहली बात तो, क्योंकि 3 बजे तक जगा हूँ ये साइक्लोन की वजह से। रात भर खिड़की के बाहर देखता रहा, वीडियो नहीं बनाते आई क्योंकि लाइट गई थी रात में, बट अभी जैसे देखने मिल रहा है तो भाई कुछ हुआ नहीं है, डरो मत। बाकी ये ब्लॉग तो आपको कल देखने मिलेगा, मतलब 5th of June को देखता हूँ। और आज दो खुशखबरियाँ हैं, एक तो पहले कि साइक्लोन आया नहीं, और न्यूज़ में तो वैसा कुछ दिखाया नहीं जा रहा जैसे कल न्यूज़ में दिखाया जा रहा था 3 तारीख को यानी कि 3rd of June को, कि दुनिया से होते होते वो मध्य प्रदेश जाएगा। तो भाई उसने तो उसका रास्ता ही चेंज कर दिया, मतलब वो कुछ कहते हैं ना, जज्बात बदल दिए, बातें बदल दी, जो भी कुछ होगा हमको नहीं आता भाई, हम पता नहीं है, बट अब जैसे भी होगा देखेंगे। लेकिन भाई सबसे पहले तो कैमरा की क्वालिटी जो आ रही है वो शायद से धूप की वजह से वो ज़्यादा ही प्रॉब्लमेटिक हो रही है, जानो कोई बात नहीं आपको तो वैसे प्रॉब्लम है, आप मत बोलिए ना वहाँ से। ये हमारे पीछे जो कैमरा मैन है ना वो बीच बीच में बोलते रहते हैं, हमें मोटिवेट करते रहते हैं, हम उनका भी फेस दिखाएंगे बाद में। तो भाई जैसे कि दूसरी खुशखबरी नहीं कह सकते, आज अच्छा दिन है मेरे लिए क्योंकि आज अपना बर्थडे है, आपके भाई का बर्थडे है। मत ना क्यों आ रहा है, बना नहीं सकते अच्छे से, बना ये कट नहीं करूँगा, ये रहने दो। तो भाई आज बर्थडे हमारा, आप कल ब्लॉग देखोगे तो भाई जैसे भी होगा वैसे हम वीडियोज़ बनाएंगे, वीडियोज़ नहीं वीडियो बनाएंगे, क्योंकि बाहर जाएंगे, ऑफिस जाएंगे, ऑफिस जाने के बाद में थोड़ा बाहर घूमेंगे, देखेंगे कहाँ क्या टूटा और क्या फूटा। भाई तू ब्लैक क्यों हो रहा है? अच्छा तो माता आज बर्थडे है ना, तो टीका वीका करके ऑफिस जाता हूँ, चलो मिलता हूँ अगले, नहीं व्लॉग यही होगा बट अगले सीन में मिलता हूँ, चलो बाय। तो भाई मम्मी ने हमारा ऑप्शन कर दिया है, बर्थडे आज है मतलब 4 जून को, एंड आप व्लॉग देखोगे वो 5th of June को, सो कोई बात नहीं, बस बाहर आना जाना कम करो, कोरोना से बचो एंड स्टे होम स्टे सेफ, जो कि लाइन चलती आ रही है सपने रहो, मिलते ऑफिस में, दिखाता हूँ और भी बहुत कुछ, बाहर जाऊँगा आज तो, मैं बाहर जाने वाला हूँ, मैं ऑफिस से ज़्यादा घूमता नहीं हूँ बट आज जाऊँगा, आज दिखाऊँगा आपको कि बाहर का मौसम कैसा है, क्योंकि बहुत डरा दिया है न्यूज़ वालों ने, दिखाता हूँ दुनिया का हाल कैसा है। मतलब नॉर्मली जो है वो दुकानें चालू हैं, शॉप्स चालू हैं, रास्ते भी खुल चुके हैं, पुलिस वाले भी हट चुके हैं, नॉर्मल हट चुके हैं, ज़्यादा स्ट्रिक्ट नहीं है दुनिया में, तो दिखाऊंगा, चलो मिलते फिर ऑफिस में। देख सकते हो अगर पीछे देखोगे तो गाड़ी कार और ये सब, मार्केट भी लगभग खुल चुका है, मतलब जो इम्पोर्टेंट शॉप है वो खुल चुके हैं, बाकी सब धीरे धीरे खुलेगा। एंड ये देखो ट्रक्स एंड वो सब कुछ चल रहे हैं, अभी तो फ़िलहाल की हालत में ये सब कुछ चालू है, लॉकडाउन नाम के लिए रह चुका है सिर्फ, बाकी सब कुछ तो खुल चुका है, देखते हैं अभी जैसे कुछ होगा वैसा। जैसे आज साइक्लोन
का सेटलमेंट। तो जैसे क्या आज साइक्लोन आने की बात हुई थी बट आया नहीं, हाँ बट जहाँ पे आके गया वहाँ पे भारी नुकसान हुआ है, ज़्यादा नहीं बट हाँ नुकसान हुआ है। बस प्रे कर रहे हैं हम उनके लिए। बाकी शाम में तो बहुत से प्लान किए हुए हैं, दोस्तों ने किए हुए, फैमिली ने किए हुए, अब देखते हैं ऑफिस का भी कुछ प्लान होगा तो अच्छी बात है, नहीं होगा तो भी अच्छी बात है। आज जाना है हमें जल्दी घर पे, क्योंकि सीड का फ़ोन आके गया था एंड सीड ने कहा है कि आज जल्दी घर पे आ। देखते भाई क्या सरप्राइज़ है। ये सबके क्या उस पर निकल रहा हूँ भैया। तो भाई जैसे बताया था सरप्राइज मिलेगा, मिला अच्छी तरीके से मिला एंड खुश हूँ। मेरे दोस्तों ने मुझे बड़ा सरप्राइज दिया, बहुत बड़ा था मेरे लिए, क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है एंड ये सारी कंडीशन में भी वो यहाँ पे आए मुझे। एंड जैसे मैंने सुबह बताया था कि वाले भी बढ़ चुके हैं, वैसे कुछ नहीं है, वाले अभी भी तैनात थे रोड पे, वो भी ये बचते बचाते आ गए एंड ऐसे ही बच्चों का साथ रहना चाहिए। इन्हीं की वजह से अभी भी खड़ा हुआ है।